नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो इस तरह का वीडियो है जिससे कि देश का और प्रदेश का खजाना भर सकता है। अगर आप देखें कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये वो क्रिया है जिससे कि पूरे प्रदेश का और पूरे देश का खजाना भर सकता है, पैसा बरस सकता है। कैसे, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंतर्गत राम जन्मभूमि पर श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। दोस्तों, यह एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये एक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल भी है और ऐसी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है जो विकास और प्रगति को आस्था के माध्यम से एक आर्थिक स्थिति सुधार की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, यह संभव हो पा रहा है सरकार के उस विजन से जिसमें विकास और प्रगति को आस्था के साथ जोड़ दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पैसा बरसेगा, ऐसे लगेगा जैसे सोना बरस रहा है, भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है, इसको आंकड़ों के माध्यम से भी आप जान पाएंगे। दोस्तों, अयोध्या में अभी लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल दर्शन के लिए या भ्रमण के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि मंदिर बन जाने के बाद ये पर्यटक लगभग 10 गुने बढ़ जाएंगे और पर्यटकों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच सकती है। इन 25 करोड़ पर्यटकों में एक पर्यटक अगर 2,000 रुपये भी अपने भ्रमण के दौरान, पर्यटन के दौरान खर्च करता है तो 50,000 करोड़ रुपये का जो व्यापार है वो होगा पर्यटन के माध्यम से अयोध्या शहर के अंतर्गत। इसके अलावा साल भर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे, त्योहारों पर ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते रहेंगे, उन सब के आंकड़ों को भी अगर ध्यान में रखें तो अनुमान ये है कि सालाना 1,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस अयोध्या में होने की संभावना है। हाल ही में अयोध्या में लगभग 20 फाइव स्टार और थीम बेस्ड होटल बनाने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इन होटलों के बन जाने से अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और रोजगार के अपार अवसर यहाँ उत्पन्न होंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भी ग्रीन फील्ड परियोजना के नाम से एक टाउनशिप विकसित की जा रही है। इसमें पहले राउंड में आश्रम है, मठ है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इनके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें प्लॉट्स खरीदने के लिए लोगों ने आवेदन किया है और विभिन्न देशों के विभिन्न कार्यालय, विभिन्न उपयोगों के लिए और उनके अतिथि गृह के बनाने के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह जो अयोध्या है पूरे विश्व का एक भ्रमण का केंद्र बनने जा रहा है, इससे आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी और आने वाले पर्यटकों से इस क्षेत्र में पैसे की एक तरह से बरसात होगी, ऐसा अनुमान है। और आंकड़ों के माध्यम से भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप भी समझ पाएं कि ये आंकड़े कैसे सच होने वाले हैं। अनुमान है कि अयोध्या में जो इकोनॉमी है वो रॉकेट बन जाएगी और इसका असर पूरे प्रदेश पर और पूरे भारत पर पड़ेगा। अब आप देखिए कि जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है तो काशी या बनारस की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। उसके बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, गुजरात के ही पावागढ़ में कालका माता मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 500 वर्षों बाद धर्म पताका फहराई थी। उज्जैन में भी महाकाल कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है और वहां पर पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। असम में माता कामाख्या देवी कॉरिडोर बन रहा है। इस तरह पूरे देश के जो भी धार्मिक स्थल है उन पर टूरिज्म की दृष्टिकोण से विकास किया जा रहा है, कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिले और वहां पर आने वाले पर्यटकों से वहां की आर्थिक स्थिति में और टोटल टर्नओवर बिजनेस टूरिज्म के में वृद्धि हो। ये एक बहुत बड़ा विजन है देश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और देश के विकास में आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे क्या हुआ, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, इससे देश की इकोनॉमी कैसे बदल जाएगी। तो अब मैं उन लोगों को कुछ आंकड़ों के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा या धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से कैसे देश का विकास हो सकता है। कुछ आंकड़े देखिए, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत सरकार का जो टूरिज्म मंत्रालय है उसके आंकड़े इस तरह हैं। वो कहता है कि देश में धार्मिक स्थलों,
से साल 2022 में 1,34,000 करोड़ की इनकम हुई थी 2022 में वित्तीय वर्ष में, जबकि साल 2021 जो वित्तीय वर्ष था उसमें धार्मिक स्थलों से कुल 65,000 करोड़ की कुल आमदनी हुई थी। मतलब 2021 में 65,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और 2022 में 1,34,000 करोड़ की आमदनी हुई। आमदनी में दोगुनी वृद्धि हो गई सिर्फ वहाँ के धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से या कॉरिडोर बनाने से, अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से। और आंकड़े क्या कहते हैं, सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलेंथ्रिपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में मंदिरों को जो दान मिला था वो 14% की वृद्धि के साथ 27,000 करोड़ हो गया है, जबकि वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा 23,700 करोड़ ही था। मतलब जो 2021 का वित्तीय वर्ष था उसमें जो मंदिरों को दान मिला था उसमें 14% की वृद्धि अगले एक वर्ष में 2021-22 में हुई है। और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और ये कैसे संभव हुआ है, जो धार्मिक स्थल हैं उनका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया गया और धार्मिक कॉरिडोर विकसित किए गए, इसमें जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिला और पर्यटकों द्वारा खर्च की गई धनराशि से वहाँ पर ये वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर को मिलने वाला दान 500% बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में काशी विश्वनाथ मंदिर को 100 करोड़ रुपए का दान मिला था और कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी के टूरिज्म में 1,000% की वृद्धि हो गई है। इसी तरह उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और कॉरिडोर बनने के बाद 1,796% की वृद्धि हुई है वहाँ के पर्यटकों की संख्या में। 1,796% की वृद्धि कोई कल्पना कर सकता है कैसे हुई है? सिर्फ वहाँ के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलते ही वहाँ पर कॉरिडोर बना है, विकास को आस्था से जोड़ दिया गया है और विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आस्था से पर्यटक वहाँ आ रहे हैं और मंदिरों को दान मिल रहा है और वहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पूरे प्रदेश की और पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। कई हजार गुने पर्यटन की संभावना वहाँ पर बढ़ जाएंगी और पैसा प्रदेश में और पूरे भारत में अयोध्या के राम मंदिर बनने से ही बरसने लगेगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से और अन्य धार्मिक स्थल हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष में उनके विकास के लिए, पुनरुत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए काम करने जा रही है, उसके लिए कार्य योजना स्वीकृत हो गई है। उन धार्मिक स्थलों के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे वहां पर विकास के माध्यम से, विकास को आस्था से जोड़ के उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बढ़ावा किया जा सकता है, वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।